आज साढ़े मानयोग गवर्नर साहब राजपाल पंजाब नवी नियुक्ति हुई है ते ओ परिवार समेत अज इत्थे सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होने आए ने। अज अरदास करन आए ने पंजाब दे भले दी देश दे भले दी शांति दी। सो स्वागत भी उन्हां दा पंजाब च नवें गवर्नर बनन ते नाल नाल परमात्मा समत ते बल बख्शे के असी पंजाब दे जो जो भी साडे अधिकार खेत्र ने असी अपने अधिकार खेत्रां दे अधीन पंजाब दे लोकां दी देश दे लोकां दी सेवा करदे रहिए। कोई अज राजनीतिक क्वेश्चन दा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, तुसीं पुछो भी ना गवर्नर साहब अगे जो भी उन्हां दी फीलिंग है इत्थे आके परिवार समेत। कि मैं पंजाब का राज्यपाल बन करके यहाँ अभी आया हूँ, मैं सोचता हूँ ये एक ऐसी जमीन है जिसके कारण से गुरुओं के बलिदान के कारण से ये देश संस्कृति आज तक अपने पास सुरक्षित है। और मैं सोचता हूँ इस गोल्डन टेंपल में माथा टिकाने के लिए देश का जन जन ये प्रयास करता है कि मेरे को भी मौका मिले कि मैं भी यहाँ माथा टिकाकर ये आशीर्वाद लूं कि मैं ईमानदारी से काम करूं, जनता का सेवक बनकर काम करूं, पंजाब के विकास के लिए, चंडीगढ़ के विकास के लिए जो कुछ भी मेरे को प्रभु ने अब तक सिखाया है उसको मैं ठीक प्रकार से जमीन पर उतार सकूं। तो मैं सोचता हूँ यह जो शक्ति है जहाँ से माथा टेक करके मैं आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ कि मैं मेरे काम में सफल हूँ, अमन चैन और शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, उसमें हम लोगों का भी सहयोग हो, इसी के लिए मैं यहाँ माथा टेक करके आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। आप सबको भी इस अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। थैंक यू।